नमस्कार, आप सभी के एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की कक्षा 9th की ज्योग्राफी कर रहे थे, जिसमें कि हम अभी तक चैप्टर 1 करने के बाद चैप्टर 2 में दो पार्ट कर चुके हैं। आज अंतिम पार्ट हमें करना है, जिसमें हम भारत के मैदानी जो भाग है, उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, द्वीप है, मरुस्थल है, इन सब चीज़ों को करने वाले हैं। पर इन सबसे पहले जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है उसे एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, क्या पढ़ा है वो सब देखते हैं, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। पर इससे भी पहले जो नए मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी जो है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स के नोट्स जो हैं काफ़ी जो है बेहतर ढंग से समझाई हुई आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करें और उन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में जब हम पार्ट 1 कर रहे थे तो उसमें हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझा था, और उसके साथ साथ जो प्लेट विवर्तनिकी की प्रक्रियाएँ होती हैं या प्लेटों के जो प्रकार हैं, इन सब चीज़ों को देखा था, जो अभी आपके सामने स्क्रीन से गुजर रहा है। इन सब प्लेट के बारे में हम पार्ट 1 में हमने किया था। जो पृथ्वी के ऊपर जो प्लेट है, जो जिनमें कि वर्गीकरण किया गया है, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, ये सब भी हमने करा था। उसके बाद जो है जो गोंडवाना भूमि का जो कॉन्सेप्ट था, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ था, हम उस पर भी बात कर चुके हैं। पेंजिया पैंथालासा की भी बात कर चुके हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, बहुत बेहतर ढंग से हमने पिछली कक्षाओं में समझाया। उसके बाद हमने कक्षा 2 में जो पार्ट 2 किया, उसमें जो हमने मुख्य भौगोलिक वितरण से शुरू किया था, जिसमें कि भारत के जो वर्गीकरण है, कौन कौन से 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है संपूर्ण भारत के क्षेत्र को या क्षेत्रफल को या एरिया को, वो हमने देखा था। जिसमें हमने हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में कुछ चीज़ें समझी थी, उसकी लंबाई चौड़ाई समझी थी, और उसकी जो पूरब से पश्चिम के तरफ जो है अंतर आता है उसके चौड़ाई में, इन सब एस्पेक्ट्स को हमने जाना था। और साथ के साथ हमने कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के भी बारे में जाना था। ये सारे एस्पेक्ट्स हम पिछली कक्षाओं में समझ चुके हैं। आज पेज नंबर 12 से हमें शुरू करना है, तो आप कॉपी और पेन लेकर नोटबुक अपना खोल लें और जो है चीज़ों को नोट डाउन करते रहें, जो आपके लिए जो है काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो आज हम उत्तरी मैदान को शुरू करने वाले हैं। अब चूँकि मैदान में जब हम पढ़ेंगे, जब मैदानी क्षेत्रों में हम पहुँचेंगे, तो वहाँ पर नदियाँ बहुत सारी जो है कलाकारी करती है, बहुत सारे मैदानों का निर्माण करती है, बाढ़ लाती है, सूखा भी आता है जहाँ नदियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो और भी बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो इन सब क्रियाकलापों के बारे में जो है इसमें आगे बहुत सारे जिक्र दिए गए हैं, और चैप्टर के अंत में जो है अंतर करने के लिए भी पूछा गया। तो इन सब के लिए जो है हमें ये ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम समझें कि जो मैदानी क्षेत्र में जो जो आकृतियाँ बनती हैं वो कौन कौन सी आकृतियाँ हैं और वो क्या है, उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये जल्दी मिलता नहीं है, और पूरी किताब में जो है आप निचोड़ जब निकालेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि जो चैप्टर हम शुरू करेंगे उससे पहले जो है 5 कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, 5 नहीं 6, 5+1 6 कॉन्सेप्ट समझेंगे। पहले तो दुआब क्या होता है ये जानेंगे, उसके बाद जो है भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, भांगड़ क्या होता है, खादर क्या होता है, वितरिकाएँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। उसके बाद जो है हम चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो हम इन्हें जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए आते हैं एक ब्लैंक पेज पे। पहला कॉन्सेप्ट है कि दुआब क्या होता है। दुआब जो है सामान्य शब्दों में समझिए, दोआब का मतलब होता है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कि ये गंगा जो है प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो गंगा के वेस्ट में यमुना प्रवाहित होती है और एक जगह जाकर मिल जाती है, ठीक, फिर वहाँ से गंगा और बड़ी हो जाती है और चौड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जो ये बीच का क्षेत्र है इसे क्या कहेंगे, तो यही दोआब है। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वही दुआब है, इसी को दुआब कहते हैं। समझ गए होंगे, बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाया है प्रैक्टिकल के साथ। ये गंगा है, उत्तराखंड से आ रही है, गंगोत्री से,
और ये है यमुना, ये यमुनोत्री से आती है। तो दोनों नदियां आ रही हैं, दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो दुआब कहलाता है। दूसरी चीज, जब अब समझिए भाबर, भाबर क्या है, ठीक है। जब शिवालिक, जब हम समझ रहे थे जो कि हिमालय की जो तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं क्रमबद्ध रूप से, उनमें जो सबसे बाद की है, जो मैदानी क्षेत्रों में मिलती है, उसे हम बोलते हैं शिवालिक। तो शिवालिक के ढाल पर, जो मतलब 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी एक पट्टी, जहाँ चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण होता है। गुटिका का मतलब है छोटे छोटे पत्थरों के जो टुकड़े हैं, या जो पहाड़ी क्षेत्रों से नदी के तेज धारा के साथ बहकर आए हैं, जैसे गंगा के साथ ये बहकर आए हैं, ठीक है। तो एक जगह ये जमा हो जाती हैं, जो कि लगभग जो है 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी होती है। यहाँ पे नदी जो है इसके अंदर समा जाती है, जो पत्थरों के शिलाखंड है उसके अंदर समा जाती है, और एक समय के बाद जो है उद्भव होती है। तो जहाँ पे विलुप्त होती है ना, उसे हम बोलते हैं भाबर, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा ये है कि जहाँ चौड़ी पट्टी में, जहाँ पे गुटिका का निक्षेपण होता है, नदी की जो धारा का जो है जो निक्षेपण हो जाता है, मतलब यहाँ पे लुप्त होने लगती है, लगभग लुप्त सी आपको दिखेगी, तो उसे बोलते हैं भाबर। और जहाँ पे दिखेगी ना, उसे बोलते हैं तराई। फिर यहाँ पे जैसे नदी आ गई, फिर नदी जो है सतह के ऊपर ठीक से दिखने लगी। यहाँ पे इतने बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े हैं, या इतनी ज़्यादा जो है आकृतियाँ बन गई है, कि नदी लगती है कि वहाँ पे विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही होती है। और फिर जहाँ पे मैदानी क्षेत्र शुरू होने लगते हैं, तो तराई में वो फिर से दिखने लगते हैं। तो ये भाबर और तराई है, याद रखिएगा। डायग्राम के साथ इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, ठीक है। अब तीसरा है भांगड़, नाम में कन्फ्यूज नहीं होना है। भांगड़, भांगड़ क्या होता है कि जो उत्तरी मैदान, जैसे ये यहाँ से शुरू हो गई उत्तरी मैदान, ठीक है, यहाँ से शुरू हुई और ये बंगाल तक जाएगी, ठीक है। तो जो नदी के द्वारा, नदी के प्रवाह के साथ साथ जो मिट्टियाँ लाई गई हैं वो जमा होती जाती है, ठीक है, जमा हो रही है। तो जमा होने के बाद जो पुरानी मिट्टी का जो ह्यूमस की जो चीज़ें थी, जो मिट्टी के साथ, जो पानी के साथ काफ़ी पहले आई थी, ठीक है, तो वो जो है वो मैदान के ऊपरी हिस्से में, मतलब थोड़ा दूर के हिस्सों में जमा हो जाती है। कि नदी का जो नया मटेरियल होगा वो नदी के आसपास ही जमा होगा, और जो पुराना मटेरियल है वो दूर होता चला जाएगा, क्योंकि वो इसे धक्का दे देकर बार बार अपने से दूर कर देगी। या नदी कभी मुड़ गई, अपनी दिशा चेंज कर ली, तो मान लीजिए कि पहले कभी नदी ऐसे बह रही थी, अब बाद में वो सीधे बहने लगी, ठीक है, यहाँ से मुड़ती थी पहले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहीं पे जो है भांगड़ रहेगा। और ये जो नई वाले प्रवाह में जो है, वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा, तो खादर होगा। चौथा है खादर। जैसे बोलते हैं ना, खादर मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ जब मिट्टी होती है, तो उसे खादर बोलते हैं। उसमें ह्यूमस की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। तो यही अंतर है कि भांगड़ जो है पुराना जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, जो कि नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में होता है, नज़दीकी क्षेत्रों में नहीं होता, ठीक है। और ये जो है उत्तरी मैदान के विशालतम भागों में पाया जाता है। तो ये चारों कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे आते हैं। जब नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एक गाद के रूप में वो अपनी जो साथ साथ जो चीज़ें लाई है उसे वो जमा करने लगती है। जमा करने के बाद क्या होती है, जब नदी यहाँ पहुँचती है तो ये इसे पार नहीं कर पाती है, तो ये टुकड़ों में वर्गीकृत होने लगती है, अलग अलग ऐसे ऐसे करके जो है बहने लगती है धाराओं में, क्योंकि इनकी गति भी बहुत कम हो गई होती है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत स्लो हो जाते हैं। तो इसे ही वितरिकाएँ बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि धाराएँ है एक तरह की, ये भी धारा ही है नदी की, लेकिन मुख्य धारा जो है टूट चुकी है अब, तो यहाँ से ये जो है समुद्र में मिलने के लिए बढ़ेगी, ठीक है। तो ये वितरिकाएँ हैं, ये वाली कंडीशन वितरिकाएँ हैं, जो पेज नंबर 12 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको पांचों कॉन्सेप्ट पहले समझा दूँ, फिर अब हम आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं चैप्टर पे। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से।
उत्तरी मैदान में तीन प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनके सहायक नदियों से बना हुआ है। ठीक है, यह मैदान जलोढ़ मृदा से बनी है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपात में स्थित बड़े बड़े बेसिन द्रोणों में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है, जमा हुआ है। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें इस जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी क्योंकि उपजाऊ भूमि है और नदी भी उपलब्ध है, पानी की पर्याप्त मात्रा में है, तो जनसंख्या सामान्य सी बात है ज़्यादा रहेगी। शहर का भी विकास बहुत ज़्यादा होगा। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता तथा अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादन वाला क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियां निक्षेपण कार्य में लगी हुई है। नदियों के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदियों की गति कम हो जाती है, जिससे कि परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। जैसे मैंने हम जब वितर निकाय देख रहे थे, तो वहाँ पे जब वो अलग अलग हिस्सों में वर्गीकृत हो जाएगी, तो बीच बीच में जो है मिट्टी का टीला जमा होता जाएगा, तो वो आइलैंड टाइप का हो जाएगा, मतलब कि द्वीप टाइप का। ठीक है, तो नदियाँ अपने निचले भाग में गाद्र एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन्हीं धाराओं को वितरिकाएँ कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया वितरिका। अब यहाँ पे देखिए इसका एक एग्जाम्पल दिया है। ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित माजोली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जहाँ लोगों का निवास है। चलिए इस पर एक करेंट अफेयर्स भी है, याद रखिएगा। ये विश्व का एकमात्र जो है एक ऐसा जिला है जो पूरी तरह से जो है द्वीपीय जिला है, पूरा पूरी तरह से आइलैंड है, नदी के मतलब आइलैंड के रूप में है। तो ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। और ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा नदी पे है असम राज्य में, माजोली आइलैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोआब का अर्थ आप समझ चुके हैं, फिर से इसको रिपीट करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। आप इसको देख लीजिए, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद हम आते हैं, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग, जहाँ से पंजाब का मैदान कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझा देता हूँ, बहुत आसान रहेगा। जो सिंधु नदी है वो भारत से जो है पाकिस्तान चली जाती है, जो ऊपरी हिस्सा है भारत का, वहाँ से ये जो है यहाँ से लगभग कट के पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर तथा इसकी जो सहायक नदी है सतलज वगैरह है, वो सब भी जाकर एक समय के बाद इसमें मिल जाती है। झची रास में ब्यास, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये इसकी सहायक नदी है। तो इसको फॉर्मूला है इसका झची रास में ब्यास। तो ये सारी नदियाँ जो है जाकर सतलज में मिल जाती हैं। तो ये जो है एक इसका मैदानी क्षेत्र है जो भारत में है, जो पंजाब के क्षेत्रों में है, तो वहाँ पे जो है ये काफ़ी उत्पादन करती है। उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है। दूसरा है क्या? तो दूसरा है गंगा का मैदान, जो आप पढ़ चुके हैं। अभी हमने बात की थी कि घग्गर तीस्ता से लेकर वहाँ तक इसका विस्तार है, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल सभी आ जाएंगे। और तीसरा क्या होगा? तो तीसरा है ब्रह्मपुत्रा का मैदान, जो हम अभी बात कर रहे थे पिछली कक्षा में भी हमने देखा था। ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है भारत में, तो बंगाल हो गया, सॉरी अरुणाचल हो गया, असम हो गया, बंगाल के कुछ क्षेत्रों तक भी उसका जो है मैदानी क्षेत्रों का विस्तार है। तो असम में ज़्यादा है, असम ही रखिए, मोटा मोटी असम में ही इसका विस्तार है। ठीक है, तो वहीं तीन जो है उसी के बारे में आगे बात करेगी। देखिए यहाँ पे वही सब चीज़ें यहाँ पे रिपीट की गई हैं। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके ऊंचाओं में बिना किसी विविधता तथा समतल स्थल के रूप में की जाती है। सब सामान्य बातें हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत आसान चीज़ें। यहाँ जो है आपको वही सब चीज़ें समझाई गई है जो हम पहले समझ चुके हैं। देखिए भाबर बताया गया है आपको, और तराई बताया गया है, दलदली क्षेत्र जो होता है, इसी में जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। जो मैं बताऊँ आपको, सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझा चुका हूँ, खातर भी समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे आते हैं। अब हम आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति का स्थल होता है। जब हम 6th की ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको अंतर समझाया था कि पठार में, मैदान में और पर्वत में, कि किसी आकृति को हम क्यों पठार बोले या किसी आकृति को हम क्यों मैदान बोले। हम जो है किसी हिमालय को पठार क्यों ना बोले या हिमालय को हम मैदान क्यों बोले। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे समझा चुके हैं कि हाइट में, ढाल में, इत्यादि विशेषताओं में
अंतर होता है, तो इसके कारण जो है किसी क्षेत्र को मैदान या किसी क्षेत्र को पठार कहा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो 6th क्लास की ज्योग्राफी देखें, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाए गए हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे दिया गया है कि मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यह पठारी भाग चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार को दो भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों तक फैला है उसे मध्य उच्च भूमि का मतलब है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र है ना उसको ये बोला जा रहा है मध्य उच्च भूमि। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा हुआ है, मतलब अरावली से पहले ही इधर ही है पूरब के हिस्से में। ठीक है, पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन हैं तथा दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण हो जाती है। इस पठार का पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप में बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। ये वो क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो चंबल क्षेत्र है, चंबल बेल्ट है या जो पठारी क्षेत्र है वहाँ का, तो आप नाम सुने होंगे बुंदेलखंड वगैरह का, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इसके और पूर्व में विस्तार को दामोदर नदी के अपवाही छोटा नागपुर पठार तक दर्शाता है, मतलब कि झारखंड तक। ठीक है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति का है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति का है मतलब कि इसका मतलब क्या है, यहाँ तक है। चलिए, त्रिभुजाकार आकृति का, जैसे मान लीजिए कि हमने ये मैप बनाया, तो त्रिभुजाकार आकृति का मतलब देखिए ये बना त्रिभुजाकार, ये कहना चाह रहा है। नीचे की तरफ संकरा है, यहाँ पे चौड़ा है जो मध्य का क्षेत्र है, और नीचे की तरफ ये होता जा रहा है, त्रिभुजाकार बन गया। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि ये त्रिभुजाकार भूभाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी मैंने बताया था आपको कि विंध्याचल जो है या सतपुरा रेंज है उसके साथ प्रवाहित होती है, और अरब सागर में अरबियन सी यहाँ पे है, अरब सागर इसमें जाकर गिरती है, तो वहीं उसके जो है साउथ में है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुरा की श्रृंखला, अभी मैंने बताया महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रृंखला, इसके पूर्वी विस्तार का मैकाल यहाँ पे है। ठीक है, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों तथा श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कर लिया हमने। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा तथा पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इधर में ऊंचा है, इधर मैंने कल भी बताया था कि हिमाद्री है पश्चिम में, और पूरब में कम ढाल वाला है। ढाल कम, यहाँ पे ढाल इसलिए कम है कि यहाँ पे कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा इत्यादि नदियाँ जो है आकर कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में। तो जब नदी आएगी तो यहाँ पे इनके स्लोप को वो काट देगी, काटने से क्या होगा इनका जो एवरेज हाइट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया हम। अच्छा, इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में देखा जाता है जिसे स्थानीय रूप में मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग का पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। छोटा नागपुर पठार है झारखंड में, तो झारखंड से लेकर मेघालय तक की बात की जा रही है। ठीक है, वही चीज़ है। पश्चिम के पूरब की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतिया, ये मेघालय में अवस्थित है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेघालय में। दक्षिण के पठार के पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर समानांतर स्थित है, वे सतत तथा उन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थिति ज्ञात कीजिए। ये तीनों घाट हैं जो कि पश्चिमी घाट पे जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे तीनों क्रम से विकसित हैं, और इसी से जो है रेलवे की जो ट्रैक है वो बनाई गई है, इसको काट कर बनाया गया है। आपने इंजीनियर श्रीधरन का नाम सुना होगा, इसके निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने दिल्ली मेट्रो का भी विकास किया था, तो उन्हीं का जो है इसमें योगदान था कि उन्होंने इसे काट कर इसके थ्रूली जो है रेलवे के विकास में काम किया था। आगे आते हैं, पश्चिमी घाट
तथा पूर्वी घाट की पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। मैंने अभी बताया था कि पश्चिमी घाट के सहारे कोई नदी समुद्र में नहीं गिरती है, इसलिए जो है वो ऊंचा है, या उसकी आकृति ही ऐसी है कि वहाँ पे कोई नदी इधर यहाँ पे कोई नदी नहीं गिरती है, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो इसलिए जो है यहाँ इधर से कोई नदी नहीं गिरती है, जबकि इधर से बहुत सारी नदियाँ गिरती है, कृष्णा गिरती है, तुंगभद्रा वगैरह आती है, इधर जो है महानदी है जो उड़ीसा के सहारे गिरती है, इधर कावेरी भी है, तो बहुत सारी नदियाँ जब इधर से महाराष्ट्र से सब होकर आती हैं तो जब यहाँ गिरेगी तो ये तो नदी जब बहेगी तो वो साथ के साथ अपरदन भी तो करेगी, तो इसकी ऊंचाई जो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा रहेगी, इस इधर की हाई रहेगी पश्चिमी घाट की, इधर की डाउन हो जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है और कुछ डाटा दिए गए हैं, इतना मीटर है, ये है, वो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, वहीं से बातें हैं, ठीक है, नियमित है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इनको काट देती है, वहीं सब चीज़ें समझाई गई हैं। यहाँ पश्चिमी घाट की ऊंचाई के बारे में देखिए, मैंने कल आपको समझाया था अनाई मुड़ी और डोडा बेटा, डोडा बेटा मतलब छोटा बेटा, छोटा बेटा ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है साउथ इंडिया की, और डोडा बेटा छोटी है तो अनाई मुड़ी बड़ी होगी, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। जबकि पूर्वी घाट का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी है 1500 मीटर, मैंने बताया था कल, उड़ीसा में है ये, तो वहीं सब यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। सेवराय जैवेरी की पहाड़ियाँ स्थित है, उड़मंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है, कोडई कनाल जैसे पहाड़ी पर्वत नगरों के स्थित मानचित्र को आप देखिए, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है, वहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी भी है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था आपको कि ज्वालामुखी के द्वारा जो मिनरल्स पृथ्वी के अंदर से निकाले गए हैं उन्हीं के सूखने से काली मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसी चीज़ को यहाँ बताया गया, ज्वालामुखी से हुई है तथा ये शैल आग्नेय है, वास्तव में इन शैलों का निर्माण अपरदन के साथ हुआ, इनके काली काली मृदा का निर्माण हुआ है, और जो है अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार तथा पश्चिम के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है, ये बहुत अधिक अपरदित तथा खंडित पहाड़ियाँ हैं, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक स्थित है। अभी अरावली की बात चल रही है, इसे जो है अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। भारतीय मरुस्थल, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है, यह बालू के टीबों से ढका एक तरंगित मैदान है, इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, और वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती है, और इसके सरिताएं मतलब नदियाँ, इसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है, पर्याप्त जल नहीं निकलने के कारण वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है, केवल लूनी ही इस क्षेत्र की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है, बरकान ये एक बालू का टीला का आकार है, बहुत अधिक क्षेत्र में होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान की सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं, ठीक है। यदि आप जैसलमेर जाएंगे तो बरकान के समूह आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बताया गया है तटीय मैदान, तटीय मैदान वैसे हमने कल भी समझा था थोड़ी बहुत चीज़ें, आज भी थोड़ा सा उसको अच्छे से आज देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया, भारत का मैप बनाना होगा हमें, तो चलिए यहीं बनाते हैं, ठीक है। तटीय मैदान बोला है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, याद रखिएगा ये ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है। पठार को किनारे संकीर्ण पट्टिया का विस्तार है, ओके, यह पश्चिम में अरब सागर के से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के संकीर्ण मैदान है, बीच एक संकीर्ण मैदान, इस मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नर और मालाबार, यहाँ पे होगा कोंकण, कन्नर और मालाबार, ठीक है। उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी के साथ है, उसको यहाँ पे बोलते हैं उत्तरी सरकार जो उड़ीसा के आसपास है, और यहाँ पे है उसको बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है। जैसे जैसे मैं नाम बोल रहा हूँ उसके साथ मैं इंगित भी कर रहा हूँ, तो ये कोरोमंडल है, ये है उत्तरी सरकार, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है कोंकण, फिर है कन्नर, फिर है मालाबार, हो गए। चलिए
ये जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, बड़ी नदियों में महानदी तथा गोदावरी वगैरह यहाँ पे प्रवाहित होती है। कृष्णा कावेरी तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी के डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, द्वीप समूह देखते हैं। भारत में मुख्य स्थल पर के अत्यधिक विशाल है, बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में दो द्वीप समूहों की सम्मुख भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं। बिल्कुल, लक्षद्वीप और कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। एक आइलैंड का पिक्चर दिया गया है। भारत के मलाबार तट पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। सबसे पहले लक्कादीव मिनिकाय तथा एमनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। कावरती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं है, वहाँ एक वन्य पक्षी अभयारण्य है। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कौन सा है, पिटली द्वीप। ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 1973 में जो है इसको लक्षद्वीप के नाम से रखा गया। पहले इसको अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की एक श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। जैसे ये रहा भारत, तो ये रहा बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, यहाँ श्रीलंका और यहाँ मालदीव। ठीक है, चलिए बड़ी श्रृंखला दिखाई देती है। ओके, आगे थोड़ा सा ऊपर आते हैं। यहाँ पे प्रवाल वगैरह का समझाया गया, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं विशेष। निर्माण की प्रक्रिया को बताया गया। ठीक है, यहाँ पे बिखरे हुए हैं, मतलब कि अंडमान निकोबार की बात चल रही है यहाँ पे। यह द्वीप मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार, इसलिए इसको अंडमान एंड निकोबार कहते हैं। यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रृंखला के शिखर, मतलब जो पर्वत जो है डूब गए समुद्र में, उन्हीं का हिस्सा माना जाता है इसे। यह द्वीप समूह देश के सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूहों पर पाए जाने वाले पादप तथा जंतुआ बहुत अधिक विविधता वाले हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप पाया जाता है और वहाँ की जलवायु विषुवतीय तथा घने जंगलों की बहुलता है या आच्छादित है। हाँ, ये फैक्ट जरा याद रखिएगा, ये जनरली जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बैरन आइलैंड पे है, याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। विभिन्न भूआकृतियों के विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताओं को स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, सहयोगी हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाने में सहायता करते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों की प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश के अन्न का भंडार है। इसके प्राचीन सभ्यताओं का विकास को आधार मिला इनसे। ठीक है, पठारी भाग खनिजों का भंडार है जिससे देश के औद्योगिकरण की विशेष भूमिका निभाई थी। तटीय मैदान तटीय क्षेत्र मत्स्यन तथा पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश के विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकसित अनेक संभावनाओं को प्रदान करती है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे देखते हैं और जो क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, क्योंकि मैं लगभग सारे क्वेश्चंस को करा दिया हूँ, उसमें से सारे पढ़ाए हुए ही हैं। ऑब्जेक्टिव हम कर लेते हैं, जो चार ऑब्जेक्टिव है। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही का चुने, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो तट तो होगा नहीं, द्वीप हो नहीं सकता, द्वीप चारों तरफ से घिरा होता है, तो प्रायद्वीप जो है राइट आंसर है बी। अगला पढ़िए, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों के संयुक्त नाम पूर्वांचल के नाम से इसे जाना जाता है, बी राइट आंसर है। तीसरा देखिए, गोवा के दक्षिण में स्थित समुद्री तटीय पट्टी को क्या कहते हैं, गोवा के दक्षिण में, ठीक है, गोवा के साथ क्या है, तो कोंकण है, गोवा के दक्षिण में क्या होगा, तो कन्नर होगा। उत्तरी सरकार हो नहीं सकता, ये उड़ीसा में है,
और उसके बाद कोरोमंडल भी ये जो है पूर्वी तट पे ही है, गोवा पश्चिमी तट पे है, तो ये हो नहीं सकता है, इसलिए जो है राइट आंसर क्या होगा, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोवा है, तो ये पूछा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित, तो इधर जो है कोंकण है, यहाँ पे कन्नड़ है, और नीचे क्या है मालाबार। एक ऑप्शन क्या दिया है उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार तो यहाँ है उड़ीसा के पास। एक ऑप्शन दिया है कोरोमंडल, कोरोमंडल म यहाँ है मालाबार, तो कोरोमंडल यहाँ होगा और कोंकण यहाँ पे है, तो इसलिए राइट आंसर ये होगा कन्नड़। पूर्वी घाट की सर्वोच्च श्रृंखला कौन सी है, तो ये तो बहुत आसान है, कल भी आया था आज भी रिपीट हो गया, खासी मेघालय में है, अनाई मुड़ी साउथ क्या है सबसे बड़ी, कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की दूसरी है, चूँकि नेपाल में है एवरेस्ट इसलिए जो है, बाकी ये सब क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं, देखिए वहीं सब है आप सारी, खादर बांगर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है मित्रों, नमस्कार।